नहीं देखो यार, दोनों का काम इन दी एंड तो एंटरटेन ही करना है. हम टीवी पे करें, वो यूट्यूब पे करें, वो वहाँ मेहनत करते हैं, हम यहाँ मेहनत करते हैं. तो मेरे ख्याल से ये टीवी वर्सेस यूट्यूब छोड़ के हमें उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि है तो हम एंटरटेनमेंट दुनिया के, ठीक है चलो वो यूट्यूबर्स हैं, हम टीवी एक्टर्स हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कुछ ग्रुपिज्म नाम की कोई चीज़ है. हाँ, करने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लाल पीले काले नाले किस पे भी कर सकते हैं, तो कर रहे हैं तो कर रहे हैं. यार मेरे ख्याल से लोगों के ना जहन से अभी तक वो शो उतरा नहीं है. मेरे लिए वो एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट था जो मैंने अपने तहे दिल से किया जितना मैं कर सकता था, और मैं बाहर आ गया. तो जिस दिन मैं बाहर आ गया तो मेरी जिंदगी से वो बिग बॉस का प्रोजेक्ट था जो खत्म हो गया, जैसे कि बाकी सारे प्रोजेक्ट भी खत्म होते हैं ना. बट मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए वो प्रोजेक्ट अभी भी ऑन है और उनको शायद मज़ा आता है लोगों को ट्रोल करने में, या फिर किसी के प्रोफाइल में जाके उन्हें कुछ ऊपर नीचे सुनाने में. तो मेरे बस का है नहीं और मैं ध्यान देता नहीं. आप जब बोलो तो देख सकते हैं. बिग बॉस 17 मैं ऑनेस्टली फॉलो नहीं कर रही हूँ, पर मेरा एक दोस्त है अभिषेक जो उसके अंदर है और मैं उसको फुल सपोर्ट कर रही हूँ और आप लोग भी उसको बहुत सारे वोट्स दे. अभिषेक ठीक है, आई थिंक सबका मोहब्बत जताने का तरीका अलग अलग होता है. अभिषेक में भी थोड़ा सा अग्रेसिव है बट दिल का बहुत साफ है और मेरा दोस्त है तो मैं उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ. यार मैं तो बिग बॉस पहले नहीं देखती थी पर इस साल कुछ बहुत ज्यादा धमाका हो रहा है तो आई एम वॉचिंग इट एंड या इट्स प्रीटी ग्रेट, क्योंकि गॉसिप किसको नहीं पसंद है. यार आई फील दैट मुनव्वर इज प्लेइंग रियली स्मार्टली. वो बहुत सेंसिबल चीज़ें बोलते हैं एंड विक्की भैया जो है इज रियली फनी. सो आई थिंक दीज टू आर माई टॉप फेवरेट्स राइट नाउ, बट लेट्स सी के बाकी सब क्या खेलते हैं क्योंकि अभी एक डेढ़ हफ्ता ही हुआ है. सो लॉकअप भी जीता है एंड ही नोज हाउ रियलिटी शोज वर्क. तो आई फील एंड आई होप मुनव्वर विंस बिकॉज ही इज वेरी सेंसिबल. वो जो पॉइंट रखते हैं वो बहुत अच्छे से रखते हैं एंड ऐसा लगता है कि उनको क्लियर पता है. यार देखो गेम तो सब खेलने आए ना, इट्स बिग बॉस तो सबको पता है कि कोई ना कोई स्ट्रैटेजी सब लेके आते हैं. एंड आई फील कि मुनव्वर की बाहर गर्लफ्रेंड है तो वो इस बार लव एंगल तो नहीं चलाएंगे, उनको घर जाके पिटना नहीं है. तो उसके बाद शायद पिटाई हुई होगी थोड़ी बहुत, तो आई फील अभी वो सेम गेम नहीं चलाएगा. बाकी मुनारा और मुनव्वर का जो कनेक्शन है आई फील इट्स रियली क्यूट. आई थिंक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं एंड अभी जो कनेक्शन दिख रहा है इट्स काइंड ऑफ क्यूट, फ्रेंडली है, केयर है. अब वो प्यार में बदलता है पता नहीं, आई डोंट नो, बट आई फील के अभी तो दोस्ती है. फ्रेंड तो कोई भी नहीं है बट डेफिनेटली फ्रॉम आर टीवी इंडस्ट्री अंकिता लोखंडे है तो मैं डेफिनेटली उनको ही सपोर्ट करूँ. क्या क्या चाहिए? अच्छा हाँ करेंगे. आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. आई मीन इस बार क्या किया है, डिफरेंट वर्जन ऑफ द पीपल दे गॉट इन द शो, मतलब जो टीवी के भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं एंड डिफरेंट फील्ड के लोग आए हैं. सो वो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है देखने में लोगों को, सो उनकी अलग अलग चीज़ें नज़र दिख के आ रही है. सो काफ़ी एक्साइटिंग है आई एम श्योर. आई मीन आई एम श्योर टीवी के लोगों को लोग रियल में देखना चाहते हैं कि रियल में कैसे हैं. सो इट्स अ गुड शो. आई थिंक दे मिस मी टू मच. आई थिंक वो मेरा जो हमारा जो इंसिडेंट था वो काफ़ी लोगों को पसंद आया है. दैट्स व्हाई दे कीप रिमाइंडिंग इट अगेन अगेन एंड आई थिंक मेरे बगैर शो हिट होना मुश्किल है, इसलिए वो बहुत याद करते हैं शायद. हाँ जी
हाँ मैंने भी सुना है और मैं फॉलो करती हूँ एक्चुअली। सेंटर लुक एक्चुअली सभी अच्छा खेल रहे हैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, माइंड गेम है जैसे कि, तो सब अपने अपने तरह से अपना बेस्ट दे रहे हैं। लेकिन मैं अगर प्रेफरेंस की बात करूं तो अंकिता लोखंडे को मैं काफ़ी प्रेफर कर रही हूं, अच्छा खेल रही है। लेकिन जब वो अकेले खेलती है तो ज़्यादा अच्छा खेलती है, हस्बैंड के साथ थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा रिजर्व हो जाती है, तो शायद ओपनली और खेले तो मज़ा आएगा। और गुनावर को मैं ज़्यादा उसका पसंद कर रही हूँ काम, क्योंकि वो भी अच्छे से खेल रहा है अभी और कॉमेडियन है तो सबको हंसा भी रहा है, तो उसका एक अलग रोल है। मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है प्लॉटिंग कर रहा है, वो काफ़ी नेचुरल है, जैसा वो है वो वैसा दिख रहा है, क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ ही इज़ प्लेइंग रियली गुड। आवाज़ें हो रही हैं आइलैंड जेन्यून लव तो दिख रहा है, लेकिन अभी एक्सपोज होने के बाद पता चलेगा कि फेक है या जेन्यून है। लेकिन अभी तक तो सब जो खेल रहा है बहुत अच्छा खेल रहा है। और मुझे आई डोंट थिंक सो एनी वन इज मास्टर माइंड इन दैट, सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं और अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। लेकिन हाँ मैं सपोर्ट मुनावर को करूँगी, विकी अपनी तरफ से सही है, सब अपने अपने तरफ से गेम खेल रहे हैं। आई गेस विकी अपना गेम खेलना चाहते हैं, पहचान बनाने की कोशिश कर, थोड़ा छूट रहा है, रोक रहे खेल से बात ना करे, इससे बात ना कर। डोमिनेटिंग थोड़ी सी तो है, वो एक्चुअली कैरेक्टर निखर के आते हैं, आप रियल आ ही जाते हो, क्योंकि इतने दिनों तक आप बंद रहते हो तो जो रियल पर्सन है बाहर आता ही है। तो या शी इज़ डोमिनेटिंग, आई थिंक सो शी इज़ डोमिनेटिंग, और वो सब हाउसमेट्स को भी वैसे ही लग रहा है, और शायद उसी की वजह से सारे पंगे होते हैं। लेकिन वो स्पाइस भी है, वो लोगों को पसंद भी आता है, लड़ाई झगड़े और सब होना भी चाहिए, बट आई सपोर्ट हर बिकॉज शी इज़ अ फ्रेंड एज वेल, तो आई सपोर्ट हर। सो आई गेस दो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हमको मिल गए हैं, गुनावर एक अंकिता, सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। मुनावर इज गुड, मुनावर काफ़ी फन इंसान है, शेर व शायरी अच्छा करता है, मस्ती करता है, सो मुनावर इज नाइस। और मुझे नाविद भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इज़ वेरी जेन्युइन एंड रियल। मनोवर को भी जानता हूँ मैं, मेरे दोस्त हैं, अंकिता लोखंडे मैम को भी जानता हूँ, विकी भाई को भी जानता हूँ, विकी भाई भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसके बाद में अभी भी है वो भी कॉन्टेंट क्रिएटर भी था पहले, सीरियल के साथ में वो कॉन्टेंट क्रिएशन भी करता था, और जब मैं रियलिटी शो में था तब वो उसने मुझे सपोर्ट भी किया था। अभी तो सभी अच्छा कर रहे हैं, लुक सेंटर थोड़ा सा कम खेल रहे हैं अभी, पर मुझे लग रहा है कि इस बार के मास्टरमाइंड विक्की भाई हैं। ऐसे तो मेरे को कुछ दिख रहा नहीं है अभी, मैं अपना शो देखा नहीं, वैसे जो भी कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं, और इस बार का बहुत एक ओवरऑल पैकेज है, और कुछ कुछ नई नई चीज़ें जो लेके आ रहे हैं, देखने में लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। इसके बारे मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इससे पहले भी आया था मैं तो मुझे मिला था, तो इस बार भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नहीं अभी तो नहीं आने वाला है, बस प्लानिंग चालू है, और सी चीज़ों में वर्क चालू है, जैसे जैसे आएगा मैं बताता हूँ। बहन के लिए बस ये मैसेज करूँगा कि हमेशा इसी में सपोर्ट करते रहो, और आप लोग के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें लाइनअप है, सब एक एक करके आएंगे आप लोग के लिए।